मध्य प्रदेश के बड़वाह स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रातः 5 बजे माता की आरती में हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। महिलाएं पुरुष सहित भक्तगण सुबह 4 बजे से 3 किलोमीटर की पद यात्रा कर घने जंगल में विराजित माता के दरबार में पहुंचकर सुबह की मंगल आरती में अपना हाजिरी लगा रहे हैं। मंदिर के पुजारी राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि माता के नव स्वरूपों में पंचमी तिथि को देवी चंद्रघटा की पूजा होती है। इसी के साथ ही गुरुवार को पंचमी तिथि होने पर इसे ललिता पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। ललिता पंचमी को लेकर गुरुवार को प्रातः माता जयंती का कुमकुम से पूजा अर्चन कर अभिषेक किया गया। माता को अर्पित किए गए कुमकुम सुहागन महिलाओं को बांटा जा रहा है। बड़वा से 3 किलोमीटर दूर जो माँ जेतागढ़ के वन में विराजी जयंती माता है, इसमें सुबह से सैकड़ों हजारों संख्या में दयालु लोग 3 किलोमीटर की पद यात्रा करके माँ जयंती माता की जो आरती होती सुबह प्रातः 5:30 बजे श्रद्धालु इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरे दिन भर चलता है लंगर और यहाँ पे प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी होता है और पूरे नवरात्रि में यहाँ मेले जैसा आयोजन किया जाता है और पब्लिक द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से माता में मग्न होकर माँ नवरात्रि में पूरी तरीके से जयंती माता में बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ आते हैं और इसका पूरी तरह से लाभ लेते हैं और ये बड़वा वासियों के लिए पूरे हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है कि माँ जयंती माता हमारे क्षेत्र में विराजित है और यहाँ का जो दृश्य होता है सुबह का देखने लायक होता है। मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में माँ जयंती के दर्शन लाभ लेवे नवरात्रि के पर्वों पर। जय श्री माता जी की। आज शारदीय नवरात्रा का पंचम दिवस है। आज भगवती का सुबह श्रृंगार होने के तत्पश्चात में कुमकुम से अर्चन किया गया और उसके दर्शन के अभिलाषा से जनता का सैलाब दर्शन के लिए उमड़ा।